ये नहीं, चांस ही नहीं है, इसको तो मैं पहनने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुझे लगता है हैप्पी ये पहनने के बाद मैं अच्छा लगूंगा? अरे जोकर लगने वाला उसको पहन के, यार इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है, तुझे लगता है मुझे ये पहनना चाहिए? हाँ, मान गई ना, है थोड़ा फनी है सूट, पर रॉकी फॉर्मल पहनना पड़ेगा ना कुछ, ऐसे कुछ भी तो नहीं पहन सकता तू पार्टी में, ये जीन्स और जैकेट में थोड़ी जाएगा। मैं देखती हूँ कुछ होगा तेरे पास। तेरा ये देख, ये तुझ पे अच्छा लगेगा और ये तेरे स्टाइल का भी है, फॉर्मल भी परफेक्ट है, तो ये पहन ले। नहीं रोकी, ये पता है ये चिंटू भाई मेरे लिए लेके आए थे, अभी तक पहना नहीं एक बार भी इसको। तो कर दे आज उद्घाटन, इससे अच्छा दिन क्या मिलेगा चिंटू जी की दी हुई चीज पहनने के लिए। तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा, किलर लगेगा तू एकदम। Excuse me, sir. यहाँ वो होटल किस तरफ है? होटल? हाँ हाँ होटल है ना, आप जी सीधे चले जाओ, सज्जे हाथ पे है। Okay, thank you. आज कितने सालों के बाद किसी ने होटल का रास्ता पूछा। रब करे सब कुछ ठीक हो जाए, और अगर आज का इवेंट भी ठीक ठाक हो गया तो। अरे चिंटू ने जो सपना देखा था वो जो अब हम सबका सपना बन चुका है वो पूरा हो जाएगा। तुम सब होटल के बाहर ही खड़े रहना हा? और जैसे ही अंदर कुछ हो मुझे फटाफट कॉल करके इन्फॉर्म करना, उनकी तबाही का वेट करूंगी मैं। इस बार नहीं बचेगी वो हैप्पी और रॉकी की जोड़ी। Very nice, Abby and Rocky. बहुत बढ़िया, too good. I mean ये पूरा decor, ये theme, ये सारी तैयारियाँ, इसमें बिल्कुल अनाया की छाप है। ऐसा लगता है कि हर एक चीज उसने खुद सजाई है अपने टेस्ट के हिसाब से। देखना वो और आरवी दोनों, तुम दोनों का काम देखकर बहुत खुश होगे। Thank you so much, sir. सर आप खुश तो हम खुश। Thank you.
सर आज शाम ना सब कुछ A1 होने वाला है, फर्स्ट क्लास। हमने सब कुछ अनाया मैम के पसंद नापसंद को दिमाग में रख के किया। वेरी गुड, थैंक यू सर। अच्छा दी, हाँ एक मिनट। ओके एक्सक्यूज मी सर, वन। अच्छा दी, वो आपने केक चेक तो किया ना? हाँ हाँ, टेंशन नहीं ले, मम्मी ने बना लिया होगा, सब ठीक होगा, तू स्ट्रेस ना ले, ठीक है? तो थोड़ा गैस देख लेगी वो भी। और सर आज शाम की स्पेशलिटी, आज शाम का केक भी होने वाला है, उसमें भी हमने कुछ एकदम डिफरेंट अटेम्प्ट किया है, हट के। अच्छा चलो, वेरी गुड गुड, थैंक यू। ओके कैरी ऑन, सी यू अराउंड। ओके सर, सी यू। चल बाहर चलते। ताम झाम तो बहुत है पर कुछ चीजें ना ऐवें ही हैं बस। हाँ जी बीजी। मम्मी हमें ना थोड़े स्टार्टर्स और चाहिए होंगे। खाने में खाना अच्छा हो या ना हो, दिखने में भला चंगा लगना चाहिए। बीजी आप प्लीज सजा दीजिए ना स्टार्टर्स, तब तक वो कोई और काम कर लेंगे। सजाने दी सारी ड्यूटी मेरे ते ही लाद रही है तू। पर बीजी आपने तो कहा था ना कि आप तो वन वुमेन आर्मी हो। ले, थैंक यू, संभाल कर ले जा। संध्या तेरी छोटी वाली की जबान बड़ी चलती है, देख कहीं पारी ना पड़ जाए। देख के गाड़ी चलाइए ना। अगर तुम होती तो देख के चलाता। अरे रणवीर बेटा आ गए तुम। I am really sorry. मैं साफ कर देता हूँ। नहीं, it's okay, मैं खुद कर लूँगी। नमस्ते। खुश रहो बेटा। Any idea अनाया और आरवी कहाँ रह गए? सब लोग पूछ रहे हैं। फोन लगा कर पता लगा ना बेटा। जी जी अंकल। बॉस बॉस बॉस, जो करना है कर, बट बी केयरफुल, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, प्लस आरवी भैया भी हैं आज यहाँ। अरे तू देख, बेस्ट बिहेव बेटा और बेस्ट भाई का ऑस्कर तो आज मुझे ही मिलना है। आरवी भैया कहाँ हो आप? Arvi, we are already very late. Let's leave. I know love, and you hate being late. पर वो अपील भी तो आज ही फिनिश करनी थी। True. वैसे बाहर से तो काफी अच्छा लग रहा है। What do you think, Arvi? Hollywood theme pull off किया होगा इन्होंने? Well, Amritsar में Hollywood. I hopes. चलो देखते हैं। चले? But I got a call. I'll see you inside. You carry on. Okay. Come fast, don't get me. Superb Rocky, Mr. Grover को तो अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। ये क्यों बंद है? लाइट तो ठीक लग रही है मुझे। स्विच में झोल होगा। हैप्पी तू एक काम कर, यहीं पे खड़ी रह। मैं स्विच चेक करता हूँ जाके। जल्दी जल्दी जल्दी। माले हैप्पी, बर्थडे किसी और का, क्रिसमस ट्री तू बन के खड़ी।
आरवी कमाल है, दांत क्या निकाल रहा है? तूने वहां से लाइट चालू कर दी, मुझे शॉक वॉक लग जाता तो? शॉक लग जाता ना तो अच्छा ही होता, शायद तेरा दिमाग थोड़ा ठीक हो जाता। ऐसा खड़ी है तू काली साड़ी में बिल्कुल भूतनी बनके, अगर बच्चों ने तुझे देख लेना है ना तो डर जाना है। बाय गॉड, अच्छा सॉरी, डरना नहीं है, सेल्फी खिंचानी है तेरे साथ। खुश चल, केक कटिंग का टाइम हो गया, चल। गुलाब जामुन, केक तक गुलाब जामुन, पहली बारी देखा। हैप्पी, रॉकी, अगर पसंद आया है डेकोरेशन तो इन्हें कंग्रेचुलेट करो, इन्होंने सब मैनेज किया है। हैप्पी एंड रॉकी। वेल, लेडीज फर्स्ट। Congratulations. वो तो बस। Not for this. वो light sort out हो गई उसके लिए। And for this also. अनायक smile बता रही है कि she likes the do up. I really do, guys. Great job. And finally हम लोगों की expectations match हो गई। And you must know, अनायक की expectations match करना is almost impossible. Am I the only one जिसके expectations को match करना tough है? Well, I think I've got कंपनी। एक बार क्या, आप जितनी बार हमको मौका दोगे ना, हम उतने चांस में आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच करेंगे। एक्सपेक्टेशन मैच क्या करना, हमने तो वो दीवार कूद के फान जानी है, हम इतना अच्छा करेंगे। ठीक है वो सब बाद में, अब बर्थडे कल का, बर्थडे केक कटने का टाइम हो गया है तो लेट्स गो। मैं लेके आता हूँ। जी, हाँ? कुछ नहीं, केक देख रही थी, गुलाब जामुन के साथ ना पहली बारी देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन देखते रहना, खाना मत। कोई खाने ही नहीं देता। मम्मी, मैं केक लेके जा रही। हैप्पी, मैं शैंपेन की बोतल लेके आता हूँ। रुक, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। जल्दी आ जा रॉकी। दी, हाँ, चाकू। मैं नाइफ लेके आती हूँ। नाइफ नहीं, एक मैं भी। हाँ। मम्मी, नाइफ कहाँ है? हाँ। वो वाला, ये रख दे, ये ले। हाँ, थैंक यू। नाइफ? हाँ, तू जा, ये नाइफ लेके जा, मैं टिश्यूज वगैरह लेके आती हूँ। हाँ। टिश्यूज। वाओ, गुलाब जामुन का केक, पूरी दुनिया घूम ली मैंने, लेकिन ऐसा केक न कभी खाया न कभी देखा। कमाल का आइडिया है, वेरी नॉवेल आइडिया। आरवी बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम लोग बड़े नाप तोल के साथ खाते हो, तुम लोगों के लिए वो कैलोरीज और जहर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आज चीट डे है इसलिए ये केक तो बनता है।
बीजी बीजी क्या हो गया बीजी 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 क्या हुआ वो गुलाब जामुन में गुलाब खाया आपने गुलाब जामुन बीजी मतलब गुलाब मतलब केक यानी दी जस्ट अ सेकंड सेल्फी तो बनती है रॉकी हेलो हैप्पी बर्थडे कुछ भी करके सबको एक केक खाने से रोकना होगा वो कहते हैं ना केक का पहला टुकड़ा दिल का टुकड़ा होता है सो गेस ये कैसे मिल रहा है पहले ऑफ कोर्स मी Hard luck, baby. It's always my dad. कंचे फ्लोर पे आए कैसे डेकोरेशन का जार था ना मार्बल्स वाला वो गलती से गिर गया होगा बट प्लीज नो स्ट्रेस अभी 5 मिनट में कोई साफ कर देगा मैम कोई क्लीन कर दो आके प्लीज 2 मिनट्स मैम 2 मिनट्स ओनली 2 मिनट्स सर सर आपको वॉशरूम जाके वॉशिंग क्लीन करना है इट्स ओके किसी ने जानबूझकर तो किया नहीं एक्सीडेंट था आई क्लीन अप जी देखो जी सब साफ हो गया वैसे एक बात तो है हमारे पंजाबी फंक्शंस का एक ट्रेडिशन है कि जब तक वहाँ कुछ गिरे नहीं कोई टूट फूट नहीं हो तब तक गुड लक नहीं माना जाता देखो आज यहाँ पे भी हो गया गुड लक पंजाबी फंक्शंस में होते ना चाचा जी ताया जी मौसा जी होते हैं जो दाल दही बल्ले छोले कुलचे कुछ ना कुछ गिराते हैं वैसा ही कुछ हो गया पर यूजली ना हर फंक्शन में वो अंकल जी योर्स ट्रूली हैप्पी होती है जो कुछ ना कुछ गिराती फिरती पर आज देखो जी बर्थडे केक ही गिर गया पर इस बार हैप्पी ने कुछ नहीं किया मुझसे नहीं गिरा इस बार किसी और ने कर दिया इतना बड़ा कांड मतलब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया हैप्पी तुझे कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा अब नहीं क्या हो गया जी आप सबको अब लग रहा होगा कि मैंने अपने जोक पे हंसने के लिए इसको पैसे दिए ये थोड़ी कोई बात हुई बोलो हंसाऊ भी मैं और पैसे भी मैं दू बैड डील ना मिस्टर ग्रोवर राइट बैड बिजनेस डील वैसे हमारी केक का थीम फ्यूजन था अब केक तो गिर गया तो फ्यूजन तो पता नहीं हुआ कि
से अनाया मैम एक बात आपको माननी पड़ेगी, हम लोग कितने सही हैं। जो हमारी पार्टी की थीम थी वो थी हॉलीवुड क्लासिक, भले से केक गिरा पर हम अपनी थीम के साथ चिपके रहे। आपने वो हॉलीवुड फिल्मों में वो कॉमेडी वाला सीन नहीं देखा फ्लाइंग केक, वो बिल्कुल वैसे ही कुछ सीन हो गया जी केक वाला। अब जो हुआ सो हो गया, रुकावट के लिए खेद है, एक नया और बहुत टेस्टी सा केक फटाफट आ जाएगा। टिल देन ऑल ऑफ यू प्लीज एंजॉय। रॉकी बीची की तबीयत खराब हो गई है। क्या स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।